हेलो नमस्ते गाइस। तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगी कि यह आने वाला सप्ताह मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो गौर से बने रहिएगा। यह आने वाला सप्ताह मकर राशि वाले जातकों के लिए मिश्र फलदायी रहेगा। यह सप्ताह दरमियान मकर राशि वाले जातकों को सोच समझकर और सावधानी से काम लेने की जरूरत पड़ सकती है। यह सप्ताह दरमियान मकर राशि वाले जातकों को उनके छुपे हुए दुश्मन उनको परेशान कर सकते हैं और उनके छुपे दुश्मन उनके कार्यों के बीच उनके काम के बीच बाधा ला सकते हैं, जिसकी वजह से उनके काम भी रुक सकते हैं और उनके काम में परेशानियां आ सकती है और उनकी ज़िंदगी में अड़चने आने की संभावना रह सकती है। इसी वजह से जातक को इस सप्ताह दरमियान सोच समझकर और सूझबूझ के साथ फैसला लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। यह सप्ताह दरमियान जातक को कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है या तो फिर किसी की बातों में आकर गुमराह होकर नहीं लेना है। आपको शुद्ध बुद्धि से सोच विचार कर फैसला लेना है, ना कि कोई कह दे और आप कर ले वैसा नहीं करना है, वरना आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। इस सप्ताह दरमियान आपको अपने वेल विशर्स के साथ चर्चा विचारणा करनी होगी और आपकी कंफ्यूजन दूर करनी होगी और आपको सोच समझ कर सूझबूझ के साथ कोई भी निर्णय लेना होगा। अगर आप नया काम भी स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके पहले भी आपको अपने शुभ चिंतक से चर्चा विचारणा कर लेनी है, उनकी सलाह ले लेनी है, उसके बाद ही आपको कहीं पर आर्थिक निवेश करना है, वरना आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो और आपके पैसे भी फंस सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके पैसे वापस ना मिले। और इसी वजह से आपको इन सब से बचने के लिए, बड़े विवादों से बचने के लिए सब कुछ सोच समझ कर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा माना जा सकता है। यह सप्ताह दरमियान स्टूडेंट्स को कोई गुड न्यूज़ भी मिलने की संभावना रह सकती है। यह सप्ताह दरमियान उद्योग धंधे में भी प्रगति होने की संभावना रहेगी और कारोबार को रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना रह सकती है। यह सप्ताह दरमियान आपकी अपने लव वन से अपने पार्टनर से थोड़ा सा खट्टा मीठा झगड़ा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपका यह सप्ताह अच्छा रहने की संभावना रहेगी। यह सप्ताह के अच्छे फलों को पाने के लिए और बुरे फलों को कम करने के लिए आपको हर रोज शिव भगवान की पूजा करनी है और उनको जल चढ़ाना है, जिससे भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे।